चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर आउट द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस एंड फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड फुल्ली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फर्स्ट पार्ट विथ बैटरी कनेक्टेड, सेकेंड पार्ट विदाउट बैटरी। तो बेसिकली इस केस में आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस फोर्स ये इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे जबकि बिटवीन द प्लेट्स हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुल्ली इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ फर्स्ट केस पे आते हैं विथ बैटरी। विथ बैटरी कनेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं? वी बाई डी। ये भी क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम सेपरेशन चेंज नहीं कर रहे और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो तीन फॉर्मेट्स देखे थे, हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर रहे हैं क्योंकि वी हमको पता है ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। अब कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। दिस कैपेसिटेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज क्योंकि के हमेशा वन से क्या होगा? बड़ा होता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं हाफ सी वी स्क्वायर, वी इज कॉन्स्टेंट, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, सो व्हाट शुड हैपन टू पोटेंशियल एनर्जी? दिस वुड आल्सो इंक्रीज। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, क्लियर है? तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स होता है क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे कि डाइलेक्ट्रिक हम रखे हुए हैं और बोल रहे हैं फोर्स क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक, यहां कुछ चार्ज है, इस पे माइनस क्यू, यहां पे कुछ नेगेटिव क्यू आएगा, यहां पे कुछ प्लस क्यू। अब ये भी इनफाइनाइट शीट्स की तरह ही बिहेव करेंगे, इसके कारण जितना फील्ड अवे आएगा इसके कारण उतना ही फील्ड टूवर्ड्स आ जाएगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक एज अ होल हम देख रहे हैं वो इस माइनस क्यू चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो फोर्स कौन लगा रहा है? सर प्लस क्यू, इसलिए फोर्स आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन। क्लियर है? अब ये फोर्स क्या होगा? दिस फोर्स विल इंक्रीज। क्यों ऐसा? बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया, सो चार्ज ऑन प्लेट्स क्या होगा? प्लेट्स पे जो चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा। जब प्लेट्स पे चार्ज बढ़ गए तो ये जो फोर्स है क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज बाउंड टू इंक्रीज। ठीक है? सेकेंड देख रहे हैं विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी, जब बैटरी नहीं कनेक्टेड है अक्रॉस अ कैपेसिटर, क्या सेम रहेगा? क्यू सेम रहेगा, चार्ज ऑन द प्लेट्स सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। मीडियम की बात कर रहे तो मीडियम सीधा वन बाई के टाइम्स,
सिंस क्यू इज चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा नेट फील्ड। अब चार्ज सेम है, एरिया चेंज नहीं किया, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, के वन से ज्यादा होगा, सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सी क्या देखेंगे, सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ये इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहे हैं, चार्ज सेम है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी विल डिक्रीज, क्लियर है। फोर्स की बात करें तो फोर्स आ गया फिर से क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू चेंज नहीं कर रहा है, क्यू चेंज नहीं कर रहा, बाकी पैरामीटर्स वैसे भी कांस्टेंट है, सो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, इट विल रिमेन कांस्टेंट, क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, चार्जेस इंड्यूस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के केस में कितना चार्ज इंड्यूस हो, ठीक है, से ये डायलेक्ट्रिक मीडियम हमने प्लेस कर दिया, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ K है, Q और माइनस Q है चार्जेस ऑन द प्लेट्स, ठीक है, ये है इनका एरिया, जितना एरिया प्लेट का है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इस डायलेक्ट्रिक का भी है। Now, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को थ्रो करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा, नेगेटिव को थ्रो करेगा, यही माइनस क्यू प्लस क्यू हमको फाइंड करना है कि इस क्यू का एक्चुअली मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्लियर। Now, दोनों चीजों को अलग अलग देखते हैं, सबसे पहले अगर हम ये q और माइनस q देख रहे हैं, से कोई पॉइंट p हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट p पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना आएगा, q बाई a एप्सिलॉन, ये फील्ड हम किन चार्जेस के कारण बात कर रहे हैं, दिस फील्ड वी आर टॉकिंग बिकॉज ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स, ठीक है। अब सेम पॉइंट पी पे हम इस डाइलेक्ट्रिक पे जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं उसके कारण फील्ड देख रहे हैं, तो ये है माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के कारण क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, अब बोलेंगे k, k नहीं आएगा, k का इफेक्ट ऑलरेडी हम इस चार्ज इंड्यूस्ड में ले चुके हैं, ये चार्जेस इंड्यूस्ड किस केस में हम लोग देख रहे हैं, डायलेक्ट्रिक के केस में, मींस डायलेक्ट्रिक का जो कंसिडरेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक बार और के प्लेस करेंगे तो फिर से हम डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट डाल रहे हैं, डायलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही हम दो बार प्लेस कर रहे हैं जो कि सही नहीं होगा, तो इसके कारण q बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस q बाई टू एप्सिलॉन नॉट मिलकर के हो गया q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब नेट फील्ड यहां पे कितना आएगा, नेट फील्ड हमको पता है
वो आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के टूवर्ड्स राइट। तो बेसिकली इन दो इफेक्ट्स को कंबाइन करके ये नेट इफेक्ट आ रहा है। तो बस सेम चीज हम लोग भी इक्वेट करने जा रहे हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस स्मॉल क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट की। जितना फील्ड एयर में होगा उसका 1/k टाइम्स मीडियम में होगा नेट फील्ड, और नेट फील्ड इन्हीं दोनों का इफेक्ट आ रहा है, इन दो चार्जेस के कारण और इन दो चार्जेस के कारण। तो इन दो चार्जेस के कारण फील्ड है राइट, और इन दो चार्जेस के कारण है फील्ड लेफ्ट, इसलिए राइट माइनस लेफ्ट किया, नेट फील्ड लिया, और वो इसके इक्वल है। सो क्यू कितना आ जा रहा है, ये आ गया आपका क्यू इंटू 1 - 1/k। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज इंड्यूस्ड ऑन द डायलेक्ट्रिक सर्फेसेस। क्लियर है? चलिए अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। फाइंड द ए है एरियाज ऑफ द प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, ये सेपरेशन गिवन है 2D, ये है D, ये है K, ये भी D और ये 2D। दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। आपको कैपेसिटेंस बताना है, कैपेसिटेंस कितना है इस सिस्टम का। क्लियर? डायरेक्टली हम मोमेंटली लिख सकते हैं, सी कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एयर। सबसे पहले कंडक्टर का लेंथ माइनस हो जाएगा, तो एयर का लेंथ बचा 2D प्लस डी 3D। नाउ इस 2D थिकनेस ऑफ मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग एयर का सेपरेशन कितना आएगा, एयर का थिकनेस 2D बाई के। दिस इज आंसर, क्लियर है? किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करते हैं। ये इस चैप्टर कैपेसिटेंस में तो काम आएगा ही आएगा, आगे भी ये काम आने वाला है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स चार्ज लॉ, किरचॉफ्स चार्ज लॉ इज बेसिकली इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन will be equal to total charge leaving the junction. Means अगर हम कोई junction consider करें, से यहाँ charge Q1 आ रहा है, ये Q2 भी in हो रहा है, Q3 out, Q4 out, like this. Then according to this, Q1 plus Q2 is Q4 plus Q3. Kirchhoff's charge law को point law,
नोड लॉ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इन नामों से जाना जाता है। क्लियर है? सेकंड इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ है ये। दिस लॉ इज इन अकॉर्डिंग विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग लूप लॉ, मेश लॉ, मेश का मतलब है लूप ही होते हैं, इन फॉर्म्स से जानते हैं, इन नामों से भी जानते हैं। क्लियर है? इसका क्या स्टेटमेंट है? इट स्टेट्स दैट इन अ क्लोज्ड लूप द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। एक पॉइंट से स्टार्ट करें, उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं, अगर एक क्लोज लूप फॉलो करें तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस एड अप टू जीरो। नाउ इफ साइन कन्वेंशन, इसमें साइन कन्वेंशन में केयरफुल रहिएगा, एक ही साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है जो आपको बताया जा रहा है, दूसरा साइन कन्वेंशन जस्ट इसका ऑपोजिट भी होगा। ठीक है? तो जो आपको अभी बताया जा रहा है बस वही साइन कन्वेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। लिखिए फर्स्ट वन, व्हाइल मूविंग इन अ लूप, व्हाइल मूविंग इन अ loop, if we see the positive plate of capacitor first, then potential difference across the capacitor is taken positive and vice versa। इसका मतलब अगर हम लूप में मूव कर रहे हैं और हमको कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दिख गया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज लिखेंगे एज पर साइन कन्वेंशन नेगेटिव लिखेंगे। सिमिलरली वाइल मूविंग इन अ लूप, वाइल मूविंग इन अ लूप, इफ वी सी पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी फर्स्ट, देन पोटेंशियल डिफरेंस across the battery is taken positive and vice versa। means अगर हम loop में move कर रहे हैं और हमको battery का negative terminal पहले दिख गया, तो battery के across जो voltage लेंगे that will be taken as negative।
चलिए ये कैपेसिटर सी वन, ये सी टू, ये एक वी वन वी टू, ठीक है। से हमको पता है इस केस में कि जो वी टू है वो वी वन से बड़ा है, तब कैसे यूज करेंगे इसी किरचॉफ सेकेंड लॉ। पता है तब तो ठीक, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बैटरी आप चाहें उसको डोमिनेट करा दें, जिससे आप चाहें उससे नेट चार्ज सिस्टम में फ्लो करा दें। और अगर पता है कि V2 V1 से बड़ा है तो यहां देखिए इसके से पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलेगा और इससे ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को देखिए सपोर्ट ही करता दिख रहा है, चार्ज का फ्लो पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अगर अपोजिट हो रहा होता तब हम बोलते ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इन विच केस देखना होता कौन डोमिनेट करेगा। तो यहां तो दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलिए एक चार्ज फ्लो करा दिया, यहां से पॉजिटिव चार्ज गया तो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव। क्यू चार्ज अगर फ्लो किया तो यही क्यू चार्ज इस पर स्टोर भी हुआ, वापस आया फिर क्यू, यही चीज यहां भी, तो इस पर भी क्यू फ्लो करके वापस, जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला था उतना ही इसके नेगेटिव टर्मिनल में वापस आना। चलिए अब लूप पे मूव करना शुरू कर रहे हैं, आप चाहें तो चार्ज फ्लो के लॉन्ग मूव कर जाएं, आप चाहें तो उसके अगेंस्ट मूव कर जाएं, एक ही रिजल्ट आएगा। चलिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमको पहले मिल रहा है, नेगेटिव, सो माइनस वी टू प्लस पॉजिटिव प्लेट दिखा प्लस क्यू बाई सी वन देन माइनस वी वन प्लस क्यू बाई सी टू दैट इज जीरो। इस इक्वेशन से आप इजीली क्यू को एलिमिनेट कर सकते हो, क्लियर है। कोई डाउट यहां पे? चल एक क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये कैपेसिटर सी, ये दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी बाई टू, एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है और कैपेसिटर का ये टर्मिनल, ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ग्राउंडेड। फाइंड चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, ये आपको क्वेश्चन गिवन, क्या फाइंड करना है हमको, चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, क्लियर है। ये दोनों ग्राउंडेड है, मींस चाहे तो हम यहां कॉन्टैक्ट कंसिडर कर सकते हैं या यहां पोटेंशियल जीरो, यहां भी पोटेंशियल जीरो लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। से ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, मीन्स चार्ज कुछ ऐसे फ्लो किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जबकि चार्ज को कुछ ऐसे जाना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से। खैर हम लोग से गलत ही ले रहे हैं, अगर गलत ले रहे हैं तो हमको आंसर तो सही दिखना चाहिए, सही मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो यहां से स्टार्ट किए, यहां पहुंचे क्यू बाई, जितना चार्ज फ्लो किया होगा उतना ही यहां पे होगा, क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी बाई टू, बैटरी का कौन सा टर्मिनल दिखा, पॉजिटिव, यहां से स्टार्ट किए फिर यहां पहुंच गए लूप में, इन दोनों को कनेक्टेड कंसिडर करके दैट इज जीरो। कितना आ गया यहां से, क्यू इक्वल टू माइनस सी वी बाई, मीन्स जो कैपेसिटर्स की पोलैरिटीज ली है हमने वो गलत है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव
ये नेगेटिव, और दोनों पे ही सेम चार्ज सी वी बाई थ्री आएगा। क्लियर है?